हेलो एवरीवन। तो हमने जावास्क्रिप्ट देखा था कि ये जो म्यूजिकल साइट है हमारे उसमें जावास्क्रिप्ट का कोड हमने देखा है। तो उसमें देख लीजिए कोड जो है हमारा वही का वही है, उसमें कोई हमने चेंजेस नहीं किया। माइनर यहाँ पे थोड़ी सी डॉट था तो उस डॉट को हमने यहाँ पे डायरेक्टली रिमूव कर दिया है। ओके, बाकी यहाँ पे रिजल्ट नाम का वेरिएबल हमने डिफाइन नहीं किया था, तो हम यहाँ पे अब डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो देखिए जेसन डॉट रिजल्ट हमें दे देना है। आप एक बार चेक कर सकते हो, अगर कोई एरर आ रही है तो हम यहाँ पे अभी सॉल्व कर देंगे। ठीक है, और बाकी सारी चीजें हम एज इट इज की थी। देखिए ओके, एक बार चेक कर लेते हैं कि ये कोड हमारा रन हो रहा है या नहीं। ठीक है, और ये लिंक भी देख लेना है कि हमें कौन सी लिंक रखनी है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे एप्पल वाला ही रखा था, ये का वही रखा हमने। अब क्या करेंगे, हम इसको एक बार रिफ्रेश करके एक बार देख लेते हैं कि क्या हमारे पास आ रहा है। म्यूजिकल साइड मतलब म्यूजिक जो भी हम सर्च कर रहे हैं तो वो आ रहा है। ओके, तो हमारे पास ये बहुत सारी इमेज आ रही है, बट ये बहुत ही खराब फॉर्मेट में आ रही है क्योंकि ये जेसन से हमने कॉल करा, इसलिए इसको कंसोल में भी देख लेते हैं हम एक बार, क्योंकि हमने कॉन्सोल में भी इसको प्रिंट करा है। ये देखिए हमारे पास सारे के सारे सॉन्ग आ रहे हैं, डीजे अरशद और सॉरी, हाँ जी, हमारे पास बहुत सारे कोड आ रहे हैं। ये देखिए अब हम इसे वन बाय वन कॉपी पेस्ट करना चाहें तो भी कर सकते हैं, बट हमें क्या करना है ना, डायरेक्टली जेसन से कॉल कराना है। तो अब मैं आपको यहाँ पर कोड समझा दूँ कि क्या हो रहा है, हमने क्यों इतने सारे दिया था। देखिए हमने क्या किया था ना, ये जेसन की फाइल में जैसे कि यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज हमने लिया था, तो इमेज हमारे पास मिल रही है। देखिए इमेज आ गई हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, इस यहाँ पे हमने उसका नाम ले लिया था कि जो भी है उसका नाम आएगा, देन सॉन्ग नेम आएगा, यहाँ पे ऑडियो का नेम भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑडियो का नेम भी आ जा रहा है। ठीक है, देन ये रहा MP4 है, MF4 है, जो भी है वो आ जा रहा है यहाँ पे, देन उसका नाम आ जा रहा है, देन सॉन्ग का नाम आ रहा है, और उसको प्ले करना है या नहीं वो भी हमारे पास आ रहा है कंट्रोल में। तो जैसा हम कंट्रोल अगर लेना चाहें वैसा वो वहाँ पे आ जा रहा है। देखिए हमने यहाँ पे ऑफ भी रखा है, अभी तक प्ले नहीं किया है, जब हम इसको प्ले करेंगे तो हमारे पास ये भी ओके प्ले होने लगेगा। ठीक है, ये देखिए तो ये हमारा जेसन का जावास्क्रिप्ट का कोड हो गया है। अब हमें फोकस करना है हमारे सीरीज की थोड़ी फॉर्मेटिंग हम अच्छी कर दें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या यहाँ पे यूज करेंगे, फिलहाल के लिए मैं इस कोड को बंद कर देती हूँ। अब हमें इस पे फोकस करना है कि हमने जो भी टैग लिए उनका हमें यूज करके देखना है। तो अब हम सीरीज लिखना स्टार्ट करेंगे। हमारा हमने जो भी एलिमेंट लिया है इमेज टैग, पहले हमारा तो इमेज टैग में देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या है ना, रिजल्ट आ रहा है बट बहुत ही खराब फॉर्म में आ रहा है अभी हमारे पास, क्योंकि वो क्या कर रहा है डायरेक्ट जेसन फॉर्म में आ रहा है, जैसे तैसे ही आ जा रहा है, डायरेक्ट एक ही लाइन में आ जा रहा है, कितना खराब लग रहा है। तो हमें अभी क्या करना है ना, यहाँ पे पहले एक इमेज एलिमेंट लेते हैं जो हमने यहाँ पे इस क्लास दिया था, उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो उसको हम विड्थ दे देते हैं, विड्थ देंगे 200 पिक्सल में, देन हाइट दे देंगे हम उसको, हाइट 200 पिक्सल। देन हम यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट ले लेते हैं, मार्जिन लेफ्ट हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पे 35 पिक्सल। देन मार्जिन टॉप ले लेते हैं हम यहाँ पे 20 पिक्सल। फाइन, तो ये इमेज का हो गया कि हम यहाँ पे जो भी इमेज आ रहा है ना थोड़ा अच्छे फॉर्म में आए, एक ही साइज में सारे के सारे आए, इसलिए ये देखिए हमारा इमेज जो है सारे सारे एक ही साइज में आ चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी इनपुट में हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इनपुट में हम यहाँ पे जो भी टाइप करेंगे, टाइप इक्वल टू सबमिट। ठीक है, तो उसमें भी थोड़ा सा हम चेंजेस करेंगे, लाइक उसमें पैडिंग दे देते हैं, हम पैडिंग दे देंगे 13 पिक्सल दे देंगे। उसके बाद उसमें विड्थ दे देंगे हम, थोड़ा विड्थ दे देते हैं हम इसमें 50 पिक्सल दे देंगे, 50 पिक्सल। एंड हाइट दे देते हैं हम इसको, हाइट 50 पिक्सल। फाइन, तो ये हमने कर लिया हमारे एक इनपुट टैग के लिए, ये जो भी इनपुट टैग आ रहा है ना हमारे पास, इसके लिए हमने दे दिया हाइट विड्थ दे दिया, इनपुट में जो भी आएगा उसके लिए हाइट विड्थ दे दिया हमने। फिलहाल देखिए हम इसको अगर कमेंट कर दें थोड़ी देर के लिए तो क्या आ रहा है अभी, ये देखिए। तो हमने क्या किया, इसमें थोड़ा इनपुट दे दिया। अब हमें क्या करना है, जो भी रिजल्ट शो में आ रहा है उसको थोड़ा फ्लैक्स थोड़ी डिस्प्ले उसका दे देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले डिस्प्ले,
सॉरी रिजल्ट शो, जो हमने क्लास लिया है रिजल्ट शो नाम से, उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे रिजल्ट शो। उसमें हम सीएसएस ऐड करेंगे रिजल्ट शो, उसमें सीएसएस ऐड कर देते हैं। सबसे पहले देते हैं हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स फ्लेक्स रैप में हम रैप दे देते हैं। देन जस्टिफाई कंटेंट दे देंगे, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड फाइन। तो ये रिजल्ट में जो भी आएगा उसको हमने यहाँ पे दे दिया है, जो भी स्पेस देना वो हम यहाँ पे दे देंगे। ओके तो अब हमें क्या करना है, जो भी सॉन्ग आ रहा है ना उसमें हम यहाँ पे बैकग्राउंड कुछ ऐड करेंगे, हमें कुछ एक बॉक्स भी क्रिएट कर देना है। तो हम यहाँ पे दे देते हैं सॉन्ग। देखिए सॉन्ग कहाँ से आ रहा है, तो हमने जेएस फाइल में लिखा था, ये रहा सॉन्ग नाम का जो क्लास है उस पर हम यहाँ पे सीएसएस प्रोवाइड करेंगे उसको। तो सॉन्ग में क्या करेंगे, हम यहाँ पे मार्जिन देते हैं यहाँ पे उसको 10 पिक्सल, देन 10 पिक्सल इसमें फ्लेक्स बेसिस दे देते हैं, बेसिस फ्लेक्स बेसिस 20%। देन विथ एंड हाइट हम इसकी सेट कर देते हैं, विथ दे देते हैं हम इसकी 380 पिक्सल एंड हाइट दे देते हैं हम उसको ऑटो फाइन। अब इसे हम जस्टिफाई दे देते हैं, इसको कंटेंट में हमारा जस्टिफाई कंटेंट कैसा रखना है, तो हम इसको सेंटर में ला देंगे, सेंटर कर देंगे। देन बॉर्डर 1 पिक्सल दे देंगे, छोटी सी देंगे। देन सॉलिड थोड़ा डर के बाद हम इसको थोड़ा बैकग्राउंड देते हैं, थोड़ा ग्रे टाइप का रखेंगे, ई जीरो सॉरी जीरो ई जीरो ये वाला कलर हमने इसको दे दिया। अब देखिए थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, बहुत ज्यादा तो नहीं होने वाला है। ये देखिए अभी भी ये कंटेंट पूरी तरह से चेंजेस नहीं हुआ है, तो हमें अभी सॉन्ग 2 सॉन्ग 3 ऐड कर देते हैं। यहाँ पे S2 जो टैग है हमारा, यहाँ पे देखिए S2 जो है, S2 है, S3 उसके अंदर भी हम थोड़ी चेंजेस कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं ना इसको, ठीक है ना, कोई बात नहीं, फिर से दे देते हैं सॉन्ग, सॉन्ग जो डिव हमारा उसके अंदर जो S2 टैग है उस पर पहले हम सॉरी S3 टैग है उसमें हम वर्क कर लेते हैं। S3 टैग है उसमें हम क्या देंगे, पहले तो फॉन्ट साइज दे देते हैं जिसकी साइज हम 12 पिक्सल रखते हैं। ये देखिए ये S2 साइज जो है ये, उसको हम क्या करते हैं यहाँ पे जिसके अंदर नेम आ रहा है ना उसको हम दे देंगे 12 पिक्सल। तो ये 12 पिक्सल में आ गया हमारा। देन हम उसमें क्या ऐड करेंगे, कलर दे देते हैं उनको, सॉरी कॉलम नहीं कलर हमें देना है। कलर हम दे देंगे यहाँ पे हैश 00999, ये कलर हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। देन हमें क्या करना है, इसको कलर तो हमने दे दिया, अब हम इसमें फॉन्ट फैमिली भी ऐड करें ताकि फॉन्ट फैमिली भी थोड़ी अच्छी लगने लगे। फॉन्ट फैमिली में हम देंगे टाइम्स न्यू रोमन भी हम इसको दे सकते हैं, बाकी तो आपकी मर्जी, जो यूज करना है आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ओके अब हम इसको टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन हम इसको सेंटर में दे देंगे, ठीक है। ये सब तो ठीक है, अभी तो कुछ और भी बहुत सारी चीजें बाकी है, तो कॉपी करते हैं इसको, पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम S2 लिख देते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे S2 लिखना है और इसको हम साइज दे देंगे यहाँ पे 14 पिक्सल, और फॉन्ट स्टाइल जो है हमारा उसको भी हम यहाँ पे दे देंगे। फॉन्ट स्टाइल में हम दे देंगे इसको बोल्ड दे देते हैं, और कलर जो है हम यहाँ से थोड़ी चेंजेस कर देंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हैशटैग तो है ही हमारा, इसमें हम लिखेंगे 60 60 60 तीन बार। ओके ये कलर कोड है हमारा, तो ये हमने कलर प्रोवाइड कर दिया। अब फॉन्ट फैमिली जो है वही का वही बाकी एज इट इज रहेगा हमारा। रिफ्रेश करके एक बार देख लेते हैं फिलहाल कैसा दिख रहा है अभी।
कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। ओके, तो हम अब क्या करेंगे, S2 पे वर्क कर लिया, अब यहाँ पे सिंपल S3 पे वर्क कर लेते, जितने भी S3 टैग है उसमें। इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसमें जो भी CSS लिखा है उसी को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। अरे भाई आके शर्मा क्यों रहे हो आप? कलर थोड़ा वो छोटा हो गया, S3 और एक H2 में आ रहा है इसलिए। अब हमने जो S3 लिया है उसमें हम फॉन्ट साइज जो है यहाँ पे 16 पिक्सल कर देंगे, एक ही करके बड़ा कर रहा है। देन बोल्ड दे दिया, कलर भी हमने जो लेना है बोल्ड चलो हटा देते हैं फिलहाल के लिए, हमें बोल्ड की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली है क्योंकि हमने यहाँ पे S3 यूज किया। उसके बाद कलर हम क्या करते हैं, यही का ये दे देते हैं, सेंटर दे देते हैं, अलाइनमेंट जो ये ना इसको लेफ्ट कर देते हैं फिलहाल के लिए, कुछ गड़बड़ दिखेगी तो हम इसको सेट कर देंगे। सॉरी ये तो लिख रहा, हमें क्या देना है यहाँ पे मार्जिन देनी पड़ेगी, मार्जिन में हम देंगे मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल। फाइन, अब हमें क्या करना है यहाँ पे डॉट प्ले पे वर्क करना है। प्ले नाम का यहाँ पे दिया था हमने, देखिए हमने यहाँ पे दिया था एक प्ले, ये वाले क्लास पर हमें वर्क करना है कि कंट्रोल जब करे प्ले करे तो क्या होना चाहिए और उसकी हाइट विड्थ कैसी होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे देंगे 120 पिक्सल, इसको मार्जिन हम दे देते हैं यहाँ पे 10 पिक्सल, ऑटो विड्थ पर देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। सॉरी इसको हम कमेंट कर देंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी अभी, चेक करेंगे, चेक करने के बाद कोई अगर डिफरेंट आ रहा है तो उसमें चेंज कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या रहा, तो एक इमेज टैग जिससे हमने वर्क कर लिया है, फाइन। अब इसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं कि ये अभी अच्छा दिख रहा है नहीं, ये हमारा एस्टिमेट है, इसमें हम रिफ्रेश करेंगे इसके और देख लेंगे। क्या कहते हैं कि स्टॉप करते हैं, और जो भी कमांड है अब उसको स्टॉप करेंगे, उसके बाद रन करना स्टार्ट कर देते हैं। ये सेंटर क्यों नहीं हो रहा है, अभी इसको सेंटर में हमें लाना पड़ेगा। इसको बंद करते हुए फिर से एक बार चालू करेंगे हम। ओके सॉरी सॉरी सॉरी, हमने लिंक तो दिया ही नहीं है, तो हमें क्या करना है ना, फर्स्ट यहाँ पे लिंक दे देना है, हमने CSS की लिंक नहीं दी है तो हमें यहाँ पे फर्स्ट अब उसको लिंक तो प्रोवाइड करना पड़ेगा ना, तभी चेंजेस होगा। इतनी बड़ी मिस्टेक कहाँ से हो गई। ठीक है, स्टाइल डॉट CSS नाम से आ गया है, अब देखिए यहाँ पे चेंजेस होना वो स्टार्ट हो जाएगा। लाइव सर्वर हमारा ऑन कर देते हैं, ये छोटी छोटी मिस्टेक है ना हमसे होती रहती है, हर बार होती रहती है, तो इस चीजों का हमें ध्यान रखना है क्योंकि कुछ ना कुछ गलती होगी, गलती से ही सीखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है ना, ये जो भी सॉन्ग आपको, मेरे को यही एक सॉन्ग याद आ रहा है, उसको सॉन्ग सर्च करेंगे, देन ये हमारा प्ले हो चुका है। देखिए यहाँ पे ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमें क्या करना है ना, हमें जो कमेंट किया था उसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, यहाँ से इसकी साइज थोड़ी हम बढ़ा देते हैं 220। ओके, ये अब स्टार्ट हो जाएगी हमारे, जो भी हम सर्च करना, जो भी हमने किया था, ये थोड़ी बड़ी होके अब आ गई है, अभी तक तो ये अच्छा नहीं लग रहा था, बट अभी थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगा है। अब हम जो भी सर्च सॉन्ग पे प्ले करेंगे तो ये प्ले भी स्टार्ट हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, तो
इस तरीके से हमने क्या किया, एक म्यूजिकल साइट बना लिया। अब इसको हमें इंप्लीमेंट करना है, तो हम अदर टेम्पलेट डिजाइन करेंगे या फिर डायरेक्ट हमें टेम्पलेट यूज करना है तो भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको डाउनलोड करना भी सिखाऊंगी और भी बहुत सारी चीजें जो आपको सीखना होगा, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको यहाँ पे हेल्प 100% करूंगी। या फिर आप कोड जो है ना आप करते रहो और इस वीडियो को ध्यान से देखते रहना लास्ट तक, क्योंकि अगर आप एक भी चीज मिस्टेक कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं आप चिल्लाते रहो कि एरर आ रहा है। ठीक है, बट कोड में कोई मिस्टेक होती नहीं है, तो आप एक बार कोड को भी फिर से ध्यान से देख लेना अगर कोई मिस्टेक आ रही है तो। उसके बाद मुझे आप कमेंट करिए, देन मैं आपको सॉल्यूशन दूंगी। या फिर आप मेल भी मुझे कर सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने मेल दे दिया है, मेरी ईमेल आईडी, आप उसमें एसएमएस भी मुझे कर सकते हो, सॉरी मेल कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी म्यूजिकल साइट रेडी हो चुकी है और आपको जैसे डिजाइन करना और भी इसमें, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ये देखिए जितना भी रिलेटेड सॉन्ग होगा सारा का सारा हमारे पास आ चुका है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।